बोलो यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। मेरा संडे है। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु के भवन में जाएं, आशीष पाएं, अनंत आशीष पाएं, आत्मिक आशीष पाएं, सांसारिक आशीष पाएं। परमेश्वर आपके जीवन मजबूत कार्य करें, आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारा टॉपिक है मांगो और पाओ। निश्चय है आज जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह भाई हैं और जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। उन्हें मसीह में चलते 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, लेकिन उनके हालात वैसे के वैसे ही हैं, उनके हालात नहीं बदल रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं लेकिन मांगते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर अपने आप देगा, परमेश्वर अपने आप देगा, परमेश्वर अपने आप देगा। हाँ, परमेश्वर देते हैं, लेकिन कुछ हम अगर चीज़ सोचते हैं, मान लो अगर मैंने सोचा कि मुझे घर चाहिए, तो मैं प्रार्थना अगर चाहे नहीं कर रहा तो परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरा करते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं सब आशा हमारे पीछे भागती हैं। लेकिन अगर मैं सोच ही नहीं रहा कि नहीं मुझे घर तो मिल नहीं सकता, मुझे गाड़ी तो मिल नहीं सकती, मैं ब्लेसिंग तो मिल नहीं सकती, मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जहाँ भी प्रार्थना करने जाता हूँ, मैं जो नया घर बना रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई गेट बड़ा रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में जब गाड़ी लोगे तो गाड़ी कैसे अंदर करोगे। वो हंस के दिखाते नहीं नहीं हम कहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। तो उनकी सोच ही ऐसी है। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लुका 11:9 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कि मांगता है उसे मिलता है। अगर आप मांग ही नहीं रहे हैं तो आपको कैसे मिल सकता है। सबसे पहले, मांगने से पहले आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं मांग रहा हूं तो मुझे मिलेगा। इसमें दो तरह के लोग मैं आपको बताता हूं। एक वो है जो कि प्रार्थना में चल रहा है और आराधना में चल रहा है, लेकिन वो सोच ही नहीं सकता कभी भी कि क्या मुझे भी ये आशीष मिल सकती है, क्या मुझे भी ये लोगों पास ये आशीष क्या ये मुझे भी मिल सकती है। वो सोच ही नहीं सकता, वो सोचता भी नहीं है, और सिर्फ प्रभु में मगन रहता है वो। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो पड़ोसी से मांगने चला जाता है कि थोड़ी देर के लिए आपके बाइक दे दो, किराए पर रह रहा है आज 20 साल पहले, कभी खुद का घर ही नहीं मांगा। लेकिन एक इंसान वो है जो पवित्रताई में चल रहा है, प्रभु में चल रहा है, ब्लेसिंग में चल रहा है और वचनों में चल रहा है, आत्मिक चल रहा है, पवित्र आत्मिक सामर्थ्य भर रहा है, वचनों का गहरा गहरा भेद उसको पता है, लेकिन वो मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है? वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मांग रहा है, वो आत्मिक जीवन मांग रहा है, वो ब्लेसिंग मांग रहा है, सांसारिक और आर्थिक दोनों, वो परमेश्वर के वरदान मांग रहा है, वो आत्मा के फल मांग रहा है, सब आशय वो मांग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो सांसारिक आशय भी मांग रहा है। हालेलुया। वो संसारिक आशय भी मांग रहा है कि प्रभु जी मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है। मान लो आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो और हम आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे, आप उसको सीधा भेज रहे हो, तो क्या होगा? वो बात नहीं बनती। अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, अपनी बेटी के लिए आप उसके लिए एक अलमारी दे रहे हो जिसके अंदर अपने जेवरात रख सके, उसकी जरूरत के लिए आप सामान दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? वो आप अपनी बेटी को दे रहे हो, ताकि आपकी बेटी को हाथ नहीं फैलाना पड़े पड़ोसियों की, जी 4 गिलास दे दो, 5 गिलास दे दो, नहीं, बल्कि उसको उम्मीद नहीं रखती कि मुझे मिलेगा, उसको पता होता है कि मुझे मिलेगा। हर एक बेटी को पता होता है कि मेरे माता पिता इतनी तो शक्ति रखते हैं कि मुझे खाली हाथ विदा नहीं करेंगे, और जो नहीं रखते उसको पता है कि मुझे नहीं मिल सकता, उसको मिलता ही नहीं है। और जो बेटी विश्वास करती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ये ड्रेस लूंगी, मैं ये गहना पहनूंगी, तो वो जो मांगती उसको मिलता है। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु से मांगते नहीं हैं तो हमें मिलता नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है। अब अगर बेटी मांगती नहीं है तो रहते तो उसके माता पिता वही है ना, माता पिता चेंज नहीं होते, लेकिन वो जैसा सोचती है वैसा उसको आगे परिवार मिलता है, वैसा उसको आगे घर मिलता है। उसकी सोच यही है कि मिल नहीं सकता, उसको यह कि मेरे माँ बाप की इतनी गुंजाइश नहीं कि मुझे दे,
लेकिन एक बेटी वो है जो कहती कि मेरी माता पिता मेरे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ना करेंगे, कहना कैसे कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे में आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु ने तो ये आशीष दे ही देनी है, ये तो आशीष दे ही देनी, ये मांगने की अगर जरूरत है तो प्रभु ने दे ही देना, तो उनके जीवन में पूरा होता है। जो लोग सोचते नहीं है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, कुछ पास्टर हैं मेरे बहसवाज भी, तो उनके साथ वो कहते हैं कि कभी भी घर के आशीष ना मांगो, कभी भी गाड़ी का आशीष ना मांगो, आप लोग सिर्फ आशीष का प्रचार करते हो। ग्रुप में किसी से मेरी बहस चल रही थी कि आप सिर्फ ये करते हो, ये आशीष ले लो, ये धन ले लो। जैसे इस बुधवार को मैंने मिरेकल मनी की प्रार्थना रखी है 20 सितंबर को, आप ऐसे कैसे करते हो? मैं कहता हूं कि जो हमें मिला हम लोगों को देंगे। हालेलुया। हमारे घर भी आपको पता होगा कि कैसे, आप गवाही सुन सकती हैं कि कैसे कहां थे और कहां से कहां परमेश्वर लेके आया। यहां तक कि दूध पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे किया। हमें पता है कि ऐसी ऐसी आशीष ले सकते हैं और हम लोगों को देते हैं आशीष, कि आप लोग भी ऐसी ऐसी आशीष ले सकते हो। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि आप लोग ऐसी ऐसी आशीष ले सकते हो, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आशीष लेना नहीं चाहते। तो नहीं, ठीक है, इतनी गर्मी होती है और पंखा झेल रहे होते हैं, पंखे के हवा ले रहे होते हैं, क्या कहते हैं, नहीं हमें पंखा भी नहीं चाहिए, परमेश्वर के वचन में हम मजबूत होना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गर्मी में मर रहे हो और वहां पर आपके आगे पंखा लग रहा है, तो आप आनंद के साथ प्रार्थना कर सकते हो। लोग मांगते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतना कुछ मांग लेते हैं कि उनके जीवन पूरा नहीं होता है। उनकी लिस्ट 2 पेज की होती है, ये चाहिए। उनकी लिस्ट 2 पेज की होती है, लेकिन उनका विश्वास सिर्फ 2 लाइन का होता है, और मांगते हैं 80% ज्यादा, विश्वास उनका सिर्फ 20% होता है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, हमें मिल ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे जो मांगते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। ये बहुत गहरी बातें और बहुत ही आत्मिक बातें हैं, ये कुछ लोग समझ पाएंगे इन बातों को, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हमें मिलेगा, मतलब मिलेगा, और कुछ लोग 80% मांग लेते हैं और उनका विश्वास सिर्फ 20% का होता है, लेकिन उनके लिए पूरा नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें पता था प्रभु ने कौन सा करना है। आपने देखा होगा ना, आपके जीवन आपके परिवार में भी हुआ होगा, जब तो अच्छा अच्छा चल रहा है तब धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, और जब बुरा चल रहा है तो कौन सा परमेश्वर, कहेगा परमेश्वर तुम गलत रास्ते लग गए हो, यहाँ तक कि पड़ोसी वाले बोल देगा तुम गलत रास्ते लग गए हो। लेकिन जब आशय मिल रही हैं तो वो भी कहेंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, किसका नाम ले रखा है तुमने, किसकी पूजा करते हो आप लोग, किसकी आराधना करते हो, किसकी स्तुति करते हो। हम गर्व से कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन जब नुकसान चल रहा है तो हम शर्माते हैं, लोग हमें 4 सुना के चले आते हैं, अरे तुम गलत रास्ते लग गए हो, और हम आंख नीचे करके मुंडी नीचे करके उनके सुनते रहते हैं। उससे कहें कि हम परमेश्वर के प्यासे हैं, परमेश्वर हमें जरूर देगा। हालेलुया। सो आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे ये समझा रहा हूँ, वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम खटखटाते नहीं है, हम ढूंढते नहीं है, मांगते नहीं है। मैंने आपको काफी लोगों के बारे में बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रभु में चलना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो वैसे वहीं कभी रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगते उन्हें मिलता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ मांग लेते हैं लेकिन उनका विश्वास सिर्फ 20% का होता है। और वो क्या कहते हैं जो वो काम नहीं होता, वो क्या कहते हैं, हमें पता था ये कौन सा होना था, हमें पता था ये कौन सा होना था। ये लोग उनकी गिनती में आते हैं कि 1 मिनट के अंदर बीज फला, फल गया, उसको फल लग गए, और थोड़े दिन बाद मुरझा गया, जिस तरह योना के समय हुआ था, समझ लो। तो ऐसा नहीं, आज अगर आप विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं और आप कह रहे हैं प्रभु मुझे देगा, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता, आज हम आप चरणों में आते हैं, आपके आगे अपने घुटनों को टेकते हैं मेरे पिता, रचनहार कर्ता मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु सृष्टि के कर्ता मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया मेरे पिता। आज जो आशीष मांग रहे हैं मेरे पिता,
आज जितना जितना इनका विश्वास है उस विश्वास के हिसाब से इनका जीवन में कार्य होने पाए, जिनका 20% विश्वास उनका विश्वास बढ़ने पाए, जिनका 80 उनका विश्वास बढ़ने पाए, जिनका 100 है वो 100 से ज्यादा होने पाए। प्रभु जो ये मांग रहे हैं मेरे पिता, ये नहीं जानते कि हमारे कितना विश्वास है, लेकिन आप जानते हो कि इसके अंदर कितनी विश्वास की कमी है। लेकिन आज जो मांग रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन पूरा होने पाए मेरे पिता। हाँ मैं जानते हैं बहुत बड़े बड़े आशय मांग लेते हैं, लेकिन ना तो प्रार्थना करते हैं ना प्रभु में चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज ये अपनी गलतियों को मानते हैं आपके आगे, यहाँ कि हाँ प्रभु हमसे गलती हुई थी, हाँ प्रभु हमसे पाप हुआ था, हाँ हमसे पाप हो गए थे, हमसे गलती हो गई थी, लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपकी स्तुति करेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे। लेकिन आज मेरे पिता जो भी मांग रहे हैं इनका जीवन पूरा होने पाए मेरे पिता। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता। महान है आप, सर्वशक्तिमान है आप, दयालु है मेरे पिता। आज मेरे पिता ये आपके वचन को मानते हैं, उसको सुनते हैं मेरे पिता, उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम स्वर्ग का दरवाजे को खटखटाते हैं मेरे पिता, आपके दिल के दरवाजे को खटखटाते हैं मेरे पिता। आज आप हमें अपनी शरण में ले ले मेरे पिता, हमारी जो भी प्रार्थना निवेदन है इसको अपने चरणों में रखो मेरे पिता, और जल्द से जल्द हमें उत्तर मिले मेरे पिता, जल्द से जल्द हमें ब्लेसिंग मिले मेरे पिता। हम यही चाहते हैं कि प्रभु आपका आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार पर बना रहे मेरे पिता, हमारे परिवार पर कोई हानि ना होने पाए मेरे पिता। प्रभु आपकी रक्षा, आप हमेशा हमारी रक्षा करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें और हमारे परिवार को हर एक दुर्घटना से बचाए मेरे पिता, और हमारे बिजनेस चले, हमारे घर आशीष रहे, हम स्टडी में आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता, इनका कलेश दूर होने पाए प्रभु, आज इनका विश्वास के अनुसार इनके लिए पूरा होने पाए मेरे पिता, क्योंकि आप महान है, आप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हैं। आपकी आशय, आपका आत्मिक जीवन, आपकी ब्लेसिंग इनके साथ रहे मेरे पिता, आपके वरदानों से भरपूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम की, आपके अभिषेक के द्वारा, आपके जलाल के द्वारा, ये पूरी रीति के द्वारा उसके पवित्र आत्मा की आग से भर जाए मेरे पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये आशीष को पा जाए मेरे पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता, इनका जीवन पूरा होने पाए, आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इन्होंने जो भी मांगा है इनके प्रार्थना को सुने और उन्हें उत्तर दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके प्रार्थना को सुने, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम से ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता। दयाकर वाले परमेश्वर इन्होंने जो भी मांगा इनका जीवन पूरा होने पाए, एक बड़ी गवाही इनका जीवन में होने पाए, आशीष रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।